नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीतमपुर राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कन्हैयालाल मित्तल लेखक भजन गायक हम राम को लाए हैं। राष्ट्रीय कवि की उपस्थिति में शहीदों को नमन करते हुए भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से राजीव यादव, निर्भय सिंह पटेल, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पटेल, पूर्व पार्षद बीसी प्रजापति डॉक्टर हेमंत पटेल, पार्षद विजय रघुवंशी, पार्षद मुकेश पटेल, प्रदीप द्विवेदी, अमृत दरबार अमृत जैन, इस्माइल पटेल, संजय शर्मा, सुजान सिंह यादव, वीरेंद्र उपाध्याय, ललित पाटिल, रोहित मेवाड़ा, विनायक गज्जू, मनोज सेन, भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्भय जी पटेल ने बताया कि राजीव यादव पिछले 23 वर्षों से शहीद यात्रा निकाल रहे हैं। देवेंद्र पटेल जी ने अपने विचार रखे। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राजीव यादव ने विस्तृत योजना भजन संध्या की बताई। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। घाटा बिल्लोद में शाम को 7 बजे भजन संध्या आयोजित होगी। राज राजीव यादव की टीम और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
कांग्रेसी घरों में बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर उतर रहा था, जनसेवा कर रहा था। और इसी के तहत मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत मालामाली थी। सुंदरलाल चौधरी ये शायद बाहर में है, यहीं पर सुंदरलाल चौधरी के जो बड़े भाई है सुरेश चौधरी, उनकी तबीयत सीरियस हो गई, रेमडेसिविर की कहीं व्यवस्था नहीं हो रही थी। मेरे उस समय भाई राजीव यादव जी को फोन लगाया कि भाई रेमडेसिविर कैसे भी करके उनको मिलना चाहिए, कैसे भी करके व्यवस्था आप जमाओ। बंधु निश्चित रूप से भाई राजीव यादव ने तीन रेमडेसिविर लगने वाले लेकर उनको पांच रेमडेसिविर की व्यवस्था करा के भाई सुंदर राजी के भाई का जीवन बचाया। ऐसे अनेक लोगों की मदद करी। उदाहरण अन्य जगह भोजन सामग्री भंडारे चलाना ये चलाना तो चलता ही रहा, परंतु ये भी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत व्यस्त होने के कारण वरिष्ठों से मिलना भी नहीं हो पाया था, इसलिए निमित्त वरिष्ठों का सम्मान करना और उनसे मिलना, इसलिए भूत प्रवास कार्यक्रम बनाया था। और जैसा कि बताया शहीद क्रांति यात्रा, शहीद क्रांति यात्रा अभी से नहीं, चुनाव है तो शहीद क्रांति यात्रा निकाली। 23 वर्षों से जब 20 वर्ष पहले राजीव यादव की उम्र 19-20 वर्ष रही होगी, उस समय 10-20 कार्यकर्ताओं को 10-20 युवाओं को लेकर शहीद क्रांति यात्रा प्रारंभ की थी। तो आज लगातार शहीद क्रांति यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से पिछले दिनों अपार जन समुदाय करीबन लगभग 20,000 से अधिक लोग उस शहीद मशाल क्रांति यात्रा में थे, मैं भी उस यात्रा में हमेशा भी शामिल हो रहा हूँ, मैं भी उस यात्रा का साक्षी बना। और इसे क्योंकि ये काम जो नीचे से आदमी उठता है, जिसकी सोच संगठन रहती है, जिसकी सोच राष्ट्रभक्ति रहती है, जिसमें राष्ट्रभक्ति का जुनून होता है, ऐसे लोग ही इस तरह के कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और अभी विशेष रूप से उन्होंने भूत प्रवास के माध्यम से जाना कि घर घर हमारे जो वरिष्ठ पुराने वरिष्ठ वर्षों से उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी जो वटवृक्ष के रूप में दिखाई दे रही है, जब कभी अभी भाई तोलाराम भी चर्चा कर रहे थे कोई नहीं होता था, मैं साइकिल पे तोलाराम भाई लोग झंडे लगा के साइकिल से पूरा इस क्षेत्र में प्रचार करते थे। ऐसे अनेक कार्यकर्ता जिनके बल पर आज पार्टी इतना विराट स्वरूप। पीतमपुर से खबर समय जगत के लिए राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.